हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। टुडे वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी और हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपका निकाह है, ब्राइड टू बी हैं, तो आप अपने हाथों को, अपने हैंड्स को कैसे डेकोरेट कर सकती हैं, इनकी केयर कैसे कर सकती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि निकाह पर आप अपने हैंड्स को कैसे डेकोरेट कर सकती हैं, और कुछ आपके साथ मैं शेयरिंग कर दूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि निकाह पर अपने हैंड्स को करने के लिए, अपने हैंड की केयर करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बकेट में मैंने क्या क्या थिंग्स ली हैं। तो यहाँ पे बैंगल्स, कुछ नेल पेंट्स, पेन कौन सा आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा जी हैंड को क्लीन करने के लिए मैंने डॉक्टर रशील की मसाज क्रीम ली है। उसके बाद दो मैंने गुलाब के, मैंने दो जो हैं गजरे लिए हैं। तो यहाँ पे नेल पेंट कुछ लिए हैं, मैंने स्टूडेंट कलेक्शन की नेल पेंट ली है, और एक मैंने परमानेंट मार्कर लिया है। तो यहाँ पे हैंड के, वो पहले, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जी, हैंड को आपने एक मंथ पहले ही हाथों को अपने मसाज करना है। मसाज आपने कोई अच्छे सी क्रीम से करना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा फेक नेल आपने लेने हैं, अगर आपने खुद अपने नेल बढ़ाए हुए हैं तो फेक नेल्स को आप स्किप कर दें। और यहाँ पे देख लीजिए, पेन भी मैंने खुद होममेड ही डेकोरेट किया है। ग्लिटर्स चाहिए, अगर आप नेल पेंट, आपके पास ग्लिटर्स वाला नहीं है तो ग्लिटर्स पड़ा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। तो बैंगल्स जो मैंने ली हैं, मैंने बैंगल्स ली हैं मेटल में, और दो मैंने जो है इनके साइडों पे कड़े लगाए हैं जी, बहुत बारीक सी, वो भी बैंगल्स हैं, स्टोन्स में हैं। फिर आपके साथ मैं शेयर कर दूँ नेल पेंट्स के कलर, तो रेड, डार्क मेहरून, तो उसके बाद यहाँ पे आ गया जी गोल्डन कलर का शेड। ये तीनों शेड आप निकाह पे अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि ये मेहंदी के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट रेड कलर का मार्कर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने अपने हाथ को कैसे डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले वन डे, या अगर आपका निकाह एक दिन पहले है तो फिर आपको मेहंदी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने शादी पे भी और निकाह पे भी आपके हैंड जो है एक तरह के ही आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपका निकाह टू डे पहले है, वन वीक पहले है, तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका निकाह वेडिंग डे पर ही है तो फिर आप इस तरह से अपने हैंड्स को डेकोरेट नहीं कर सकती, तो फिर आप मेहंदी ही लगवाएं, जो कि सबसे पहले आपने अपने हाथों को कर लेना है क्लीन डॉक्टर शील के मसाज क्रीम के साथ। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक माह पहले ही अपने हाथों को और पाँव को मसाज करना स्टार्ट कर दिए करें। टू वीक में एक बार ब्लीच भी करें अपने हाथों को, पाँव को, और अच्छे से इनको मसाज करने के बाद नीम गर्म पानी के साथ अपने हाथों को डिप करके रखें और उनको वॉश भी करें, तो इससे आपके हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी रहेंगे, नरम भी रहेंगे, और उसके अलावा जी नीट भी रहेंगे। डॉक्टर रशील के साथ आपने अच्छे से मसाज कर लेना है। उसके बाद जो आपने जो है इसके ऊपर, अगर आपके हाथ ज़्यादा डल हैं तो आपने कर लेना है इनके ऊपर कोई भी फाउंडेशन। अगर आपके, आपको फाउंडेशन आपके पास अवेल नहीं है, कोई फाउंडेशन अगर आप अप्लाई करती हैं तो वो नज़र आता है, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, हैंड फूड का आपके साथ मैंने जो है फाउंडेशन शेयर किया था। तो आपने परमानेंट मार्कर के साथ कुछ इस तरह से गोल टिक्का अप्लाई कर लेना है। इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आपके साथ मैं नेक्स्ट जो है इसका प्रोसेस शेयर करूँगी। क्योंकि फर्स्ट डे जो निकाह का डे होता है, उस पर आपके हैंड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहे होते हैं, बेसिक जो वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं या फिर पिक्स वगैरह ली जाती हैं, तो उसमें ये कुछ इंडियन ब्राइडल के भी हाथ देख लिए। पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है कि निकाह पे हैंड जो हैं बहुत खूबसूरत से दिखें, तो उसके लिए आप ये परमानेंट मार्कर लें। इससे आप अपने हाथों को बहुत ही खूबसूरत अप्लाई करने के बाद दिखा सकती हैं। तो गोल टिक्का आपने इसके साथ जो है अप्लाई कर लेना है। मेहंदी जो है आप जो है बारात पे ही लगवाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, नहीं तो फिर दोनों डे ही हाथ एक जैसे आ जाते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, इस तरह से अगर आप मेहंदी वगैरह जो है मेहंदी वाले डे पे भी आप इसको, या फिर अपने माइयों पे भी, माइयों पे कर सकते हैं ऐसे अपने हाथों को डेकोरेट। ज़रूरी नहीं है कि निकाह पे करें, लेकिन निकाह पे कुछ ही अगर आप इस तरह से आप अप्लाई करेंगी तो आपके हाथ जो है बिल्कुल एक अलग सी लुक देंगे, और आपके फ्रेंड्स भी ये कहेंगे कि यार बहुत खूबसूरत से हाथ लग रहे हैं, और हस्बैंड तो तारीफ़ करेगा ही ना। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जब मैं इसको बैंगल्स वगैरह या फिर गजरे वगैरह पहनूंगी, तो उसके बाद जब फाइनल लुक में आप देखेंगी तो आपको भी यकीनन बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
तो यहाँ पे देख लीजिए फिंगर्स को अब मैं फिलअप कर रही हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आपने कितनी फिंगर्स को फिलअप करना है। बहुत ज़्यादा चुनू मुनू सी आपने इनकी लेंथ नहीं रखनी, इतनी तो रखनी है कि ये फिंगर्स जो है आपकी लंबी सी लगे। यहाँ पे देख लें और उसके बाद जो टिक्का है उसको भी आपने अच्छे से फिलअप कर देना है कि इसकी जो लुक है अच्छी। ये परमानेंट मार्कर जो है ना, इसमें अगर आप पानी में भी हैंड डालते हैं तो फिर भी ये नहीं उतरता, क्योंकि इससे आप अगर साबुन के साथ अपने हाथ को वॉश करेंगे तो फिर ये उतर जाएगा। लेकिन अगर आप इसको वैसे पानी वगैरह भी लगे तो या भी इसका कलर नहीं छूटता, ये नहीं होगा कि आपके कपड़ों वगैरह पे लग रहा है, बिल्कुल परमानेंट है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए अभी से हाथ कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मज़ीद हमने इसको खूबसूरत दिखाना है। अभी मैं ऑफ कैमरा अपने दूसरे हाथ पर भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपके साथ एक और टिप्स शेयर कर देती हूँ कि जब आपने इसको अप्लाई कर लेना है, बैंगल्स वगैरह आपने जो है कपड़ों के साथ मैचिंग तो करनी है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सिंपल सी बैंगल्स पहनिएगा। ये बहुत अच्छी सी एक टिप्स है कि जब आप हैवी बैंगल्स पहन लेती हैं तो लुक इतनी निकाह पे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब तो ट्रेंड चल चुका है निकाह पे जो ड्रेस होता है या तो ऑफ वाइट या बहुत लाइट से कलर्स के ड्रेस पहने जाते हैं। लेकिन अगर आप बैंगल्स उनके साथ मैचिंग कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए आप कोशिश करें या तो फिर आप कुछ इस तरह के मेटल की बैंगल्स लें और इनको पहने, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और गजरे आपने ज़रूर पहने हैं, अगर आपका निकाह फर्स्ट यानी कि एक दिन पहले है तो आपने ज़रूर बैंगल्स को पहना है, गजरों को पहना है। गजरे के साथ आपके हैंड्स की लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो यहाँ मैं आपको अभी नेल पेंट और नेल्स अप्लाई करके दिखाती हूँ। अगर आपके नेल बड़े हैं तो आपने फिर नेल्स अप्लाई नहीं करने, लेकिन जो भी ब्राइडल्स होती है वो इतनी मेहनत करके डेढ़ माह पहले तो अपने नेल्स को बढ़ा रही होती है। जब वेडिंग में एक या दो दिन रह जाता है तो नेल्स वगैरह टूट जाते हैं। तो अच्छा, तो आपने रिंग्स भी बहुत सॉफ्ट सी पहननी है, ये नहीं करना कि बहुत बड़ी बड़ी सी रिंग्स पहन लेनी है, बहुत सॉफ्ट सी रिंग पहननी है। तो यहाँ पे गजरे मैंने पहन ली है। अब मैं यहाँ पे एक हैंड पे मैं आपको लाइट कलर के मैंने नेल्स अप्लाई किए हैं, वो मैंने फेक नेल अप्लाई किए हैं। एक हैंड पे मैंने जो है नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ, स्टूडेंट कलेक्शन का रेड कलर का नेल पेंट, बिल्कुल मैट नेल पेंट है। स्टूडेंट कलेक्शन के नेल पेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और इनकी रेंज भी बहुत ही रिजनेबल है, 250 का ये आपको मिलेगा। और इसके स्वेचेस बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो रिंग्स देख लें, बहुत सॉफ्ट सी मैंने पहनी है। तो यहाँ पे अभी मैं आपके साथ फाइनल लुक जब शेयर करूँगी तो आपको भी यकीनन बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो नेल पेंट्स लगाने के बाद तो यहाँ पे मेरी जो फाइनल लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ फाइनल टच के कैसे हैंड लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से हाथ लग रहे थे। अगर आपको ये बिल्कुल न्यू सा एक ट्रेंडिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो यहाँ पे आप देख लें जी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके साथ ये देख सकते हैं कि गजरे मेरे कितने अट्रैक्शन कर रहे हैं। गजरे जो है मैंने मोती के और गुलाब के पहने हैं। आपने भी ऐसे ही कुछ गजरे अगर आप बनवाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आपका ड्रेस वाइट है तो वाइट ड्रेस के साथ या फिर ऑफ वाइट के साथ बहुत ही खूबसूरत और हसीन लगेंगे। तो यहाँ पे देख ले, अगर पेन आपकी पेन की बात करती हैं तो पेन भी मैंने होममेड ही इसको तैयार किया है। इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर कीजिएगा, इसकी भी मैं आपके साथ शेयरिंग कर दूँगी कि आप होममेड पेन कैसे डेकोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे देख लें, एक हैंड पे जो है बिल्कुल लाइट से मैंने नेल पेंट वाले नेल्स लगाए हैं और एक हैंड पे मैंने रेड लगाए हैं। रेड मैंने इसलिए अप्लाई किए कि रेड के साथ अगर रेड नेल हो तो खूबसूरत लगते हैं। अभी तो मुझे इजाज़त है।